आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर यानी कि श्रम निरीक्षक सहायक पदाधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है। मात्र आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 5 से 10 दिन बचा होगा। तो करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 5 से 6 नंबर ऐसे ही करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सिलेक्टेड क्वेश्चन टॉप 20 एमसीक्यू, जिसमें आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न पर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम सबसे पहले 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 45 चावल में पाया जाता है। तो 45 चावल में क्या पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 45 चावल में क्या पाया जाता है, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 12 तथा जिंक होता है। याद रखिएगा 45 चावल में क्या पाया जाता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो बिल्कुल आप बताएंगे विटामिन ए बी या विटामिन 12 इस प्रकार दे सकता है। उसी प्रकार जगदलपुर नगर निगम के बारे में बात करते हैं तो बेटर ठोस्ट अपिष्ट प्रबंधन के लिए देश में सेकंड स्थान मिला है। कौन सा मिला है, सेकंड स्थान, याद रखना है, दूसरा स्थान है ना। चलिए अब देखते हैं बारसूर यानी कि देलेवाड़ा में, इसको याद रखना। इसके बाद हम दूध उत्पादन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बारसूर यानी कि देलेवाड़ा के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र नाग मंदिर स्थित है, ठीक है। याद रखना छत्तीसगढ़ का एकमात्र नाग मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, बारसूर में, बारसूर, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखिए हम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक ज्ञान देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग व्यापम और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास तौर पर है, और लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में काफ़ी 10 से 5 दिन बचे हुए हैं, 5 से 10 दिन बचे हुए हैं। करंट अफेयर की तैयारी डेली कराया जाएगा, 5 से 10 दिनों के बीच डेली करंट अफेयर डाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एकमात्र नाग मंदिर के बारे में जो कि बारसूर में है। उसी प्रकार निर्माण छिंदक नागवंशी 11वीं-12वीं शताब्दी का नागफनी मंदिर में। अब चलिए हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में। तो दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है आपका 18वें नंबर पर, याद रखना, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है दुग्ध का, तो 18वें क्रम में फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए 18वें स्थान पर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, उन सभी से कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में देश का 18वें स्थान पर है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी आप मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, डेली खासा अच्छा खासा हम आपको करा रहे हैं करंट अफेयर, है ना। तो राज्य में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन कितना, 159 ग्राम, 159 ग्राम, याद रखना, ठीक है। ये नैना धाकड़ सिंह को आप सभी जानते होंगे, नैना धाकड़ सिंह कौन है, नैना धाकड़ सिंह एक पर्वतारोही है, ठीक है। सम्मान के बारे में बात करें तो लैंड एडवेंचर सम्मान, निवासी बस्तर जिला, फतह माउंट एवरेस्ट माउंट लोटासे, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए करंट अफेयर की क्लास हमने देख चुका है अक्टूबर के पहले, पिछले वीडियो में हमने देखा था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के कलाकारी को प्राप्त पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त पुरस्कार, तो याद रखना आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर छत्तीसगढ़ के कलाकारी को कौन कौन से प्राप्त पुरस्कार हैं। तो पहला 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ममता चंद्राकर को, याद रखना, किसके लिए, लोक गायिका के लिए। एक बार फिर से कहते हैं कि 2019 में संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है, ममता चंद्राकर को, कौन क्या है वो, लोक गायिका। उसी प्रकार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है, तीजन बाई, और तीजन बाई तीनों अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, कौन कौन से, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और एक और है, क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैंने क्या क्या बताया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और एक क्या है, कमेंट करके बताओ। 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए कश्यप बंधु को खैरागढ़ वाले के लिए मिला है। उसी पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2020 किसे मिला है, डॉक्टर प्रभाकर को मिला है, डॉक्टर प्रभाकर दिवाकर कश्यप को, ठीक है। फाइनली अब स्टार्ट करते हैं 20 एमसीक्यू। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण यानी कि उद्योग किस स्थान पर खोला गया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देश का जो पहला मिलेट प्रसंस्करण है ना, वो आपका नाथिया गाँव, आंसर ए होगा, नाथिया गाँव में, ठीक है। चलिए सेकेंड का आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा,
सभी लोग ना कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग रिवाइज करके जाओगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताओगे, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ना। तो छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछा गया, याद रखना। अभी हाल ही में 33 जिला, कितने जिले हैं? 33 जिला। पहले कितना था कमेंट करके बताइएगा, पहले 29 था ना, अभी पीछा में हॉल में। बिल्कुल, मैं सभी को पूरा पूछूंगा, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछा गया है, तो आपका कोरबा आएगा। कौन सा आएगा? कोरबा। लेकिन आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला मैं आप सभी को पूछना चाहूँगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे, हाँ बिल्कुल, सबसे छोटा जिला। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे छोटा जिला कौन सा है 33 जिलों के अनुसार, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। 30 सेकंड का आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल को सबसे बड़ा जिला आपको कोरबा है, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे? इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, कमेंट करना, कमेंट करो, आंसर दो फटाफट, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हैं, कौन किसका किसका आंसर आ रहा है, हैं, कमेंट करो फटाफट। देखो भाई, अब आप लोग कमेंट नहीं करोगे, आप लोग को आंसर नहीं दोगे, फिर कैसे, फिर सर अब याद नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी ना बनेगा ना, याद नहीं है वो नहीं है, यहाँ पर वो थोड़ी ना चलेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों का क्षेत्रफल कौन सा है? सबसे बड़ा जिला तो मैं बताया कोरबा, लेकिन सबसे छोटा जिला पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चल के हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर आप बताएं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा अभी हाल ही में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या आएगा। तुरेनार किसका आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर, जिस लोगों का तुरेनार आ रहा है बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल तुरेनार, हाँ बिल्कुल सही है, तुरेनार ही आएगा, रीपा भी बिल्कुल सही है, आंसर सी आएगा। सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है? अभी पीएससी एग्जाम में पूछा गया था ना, 2021 में पूछा गया है पीएससी के एग्जाम में, सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है, जल्दी से बताइएगा सिद्ध बाबा। चलिए आंसर ए मनेंद्रगढ़, आंसर बी शक्ति, आंसर सी रतनपुर, या आंसर डी पेपराडी। सिद्ध बाबा का पहाड़ किस स्थान पर है, फटाफट कमेंट करें ना, 30 सेकंड का समय दिया, बिल्कुल यहाँ पर, हाँ कमेंट ना करें ना, मैं देखिए, अब आप लोग टाइमिंग पूछ रहे हो भाई, ऐसा कौन सा मूर्ख टाइम है, हैं, डेली क्लास तो आप कर आ रहा हूँ, दोपहर 3 बजे की क्लास है और रात 7:30 से 9:30 की क्लास रहती है, और क्या बताऊँगा मैं आपको, डेली क्लास चल रहा है, फिर भी आप बार बार पूछते हो कि सर टाइमिंग क्या है, टाइमिंग में आ जाओ खुद, अगर आपको पढ़ना है ना, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, लगन से साथ आपको मेहनत करना है, तो टाइमिंग टू टाइमिंग आ जाया करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच बीच में टाइमिंग टाइमिंग करते रहते हो, फिर टाइमिंग में आप लोग खुद पढ़ो ना भाई, टाइमिंग नहीं मिलता फिर आप लोग बोलते हो सर मैं टाइम नहीं मिला, डेली अगर आप लोग क्लास करते हो ना तो 90% गारंटी लेता हूँ आपका, 80% चांस है सिलेक्शन का, डेली क्लास करा रहा हूँ मैं, और आप बोलते हो कि सर एक दिन क्लास नहीं लेते, ऐसा थोड़ी होता है, किसी भी को लांछन लगाने से अच्छा है खुद तैयारी करो, समझ में आ रहा है। चलिए सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है, किसका आंसर आ रहा है, ए बी सी या डी, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, फटाफट कमेंट करें। क्या आएगा सिद्ध बाबा आपका? मनेंद्रगढ़, बिल्कुल सही है, मनेंद्रगढ़ ही आएगा, कितने लोगों का आ रहा है आंसर, मनेंद्रगढ़ आंसर ही आएगा, कितने लोगों का आ रहा है, फटाफट कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खोला जाएगा, क्या खोला जाएगा, चलो कमेंट करो, ग्राम, तहसील, विकासखंड या जिला, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। प्रधानमंत्री स्कूल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खोला जाएगा, कहाँ खोला जा रहा है, क्या खोला जा रहा है बताइए, ग्राम, ग्राम का मतलब गांव होता है, तहसील, विकासखंड या जिला, आंसर सी आ रहा है 90% लोगों का, तो विकासखंड, चलिए हम उसी पर जाते हैं, विकासखंड ही होगा इसका आंसर, हाँ। चलिए आप लोग फिर से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस थाने में, कौन सा थाना है जो मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट थाना को दर्जा दिया गया है, फिर से 30 सेकंड का समय दिया गया, फटाफट कमेंट कीजिएगा ना, गलत होगा आंसर कोई दिक्कत नहीं, आंसर है बीरेझर,
बी मंदिर हसौद, सी पटन, डी कोहकामाट। क्या आएगा आंसर? डी कोहकामाट, बिल्कुल सही है। चलिए फिर इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा कि हाल ही में किसने पॉलिटेक्निक और आईटीआई के संस्थानों को वर्कशॉप खोलने के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया है। एमओयू का मतलब समझते हो ना? हाँ बिल्कुल सही है। क्या है? पॉलिटेक्निक आईटीआई वर्कशॉप खोलने के लिए। क्या है? टाटा ग्रुप होगा, बिल्कुल सही। जितने लोगों का टाटा ग्रुप आया है ये एग्ज़ाम में 2019 और 21 में पूछा गया है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जो टॉपिक में करंट अफेयर में ला रहा हूँ उसको बिल्कुल तैयारी कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर में कि हाल ही में कौन क्या बने हैं। जैसे कि आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में नए राज्यपाल कौन बने हैं, उसी प्रकार। हाँ बिल्कुल सही है, टाटा ग्रुप आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बी आंसर है, टाटा ग्रुप है। मैं ये बात कर रहा था कि हाल ही में जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं बहुत बार, दो से तीन बार क्वेश्चन वही से पूछे जा रहे हैं। कौन से टॉपिक से हाल ही में क्या है? राज्यपाल कौन बने हैं, उपराज्यपाल कौन बने हैं, महासचिव कौन बने हैं, अधि क्या बोलते हैं, ये सब अभी जो वर्तमान में बने हैं ना, चेंज हुए हैं, वही सब एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। वो टॉपिक हम कल लाएंगे, कल लाएंगे उस टॉपिक से, है ना, कि वर्तमान में कौन है क्या है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे पूरा डिटेल के साथ। हाँ पहली बार आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, पहली बार आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, टाटा ग्रुप होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बस्तर दशहरा के किस नए विधान को सम्मिलित किया गया है, मतलब कौन से विधान है जिसको सम्मिलित किया गया है? नारफोड़नी, पौधारोपण, हल विधान या चतुर विधान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने लोगों का आ रहा है फटाफट कमेंट करें, बस्तर दशहरा में किस नए विधान को सम्मिलित किया? बिल्कुल आंसर बी आएगा। जो लोग बी आंसर में जा रहे हैं फटाफट कमेंट किए, बी 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 भी डाले, पूरा बी बी करके डाल दीजिए पूरा, पौधारोपण डालो, पौधारोपण आएगा। बस्तर दशहरा में किस नए विधान को सम्मिलित किया गया है? पौधारोपण। हाँ कितने लोगों का आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है फटाफट कमेंट करें, बस्तर दशहरा में किस नए विधान बोला गया है? तो पौधारोपण आएगा आंसर भी, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा विधान बस्तर दशहरा में सम्मिलित देवी देवताओं को विदाई से संबंधित है? विदाई बोला गया ना, ये एक मिनट ना, ये देवी देवताओं से विदाई संबंधित, आपको कुटुंब यात्रा का आँख बंद करके कुटुंब यात्रा लगाओ, आंसर सी डालो। बिल्कुल कमेंट आना चाहिए ना यार, यहाँ पर कमेंट नहीं आएगा क्या मतलब? फिर आप सभी लोगों का कमेंट आएगा तभी तो मज़ा आएगा यहाँ पर, हैं? कमेंट आना चाहिए बिल्कुल। चलिए कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा? कुटुंब यात्रा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो और सिलेक्शन लो, है ना, साथ में दो, साथ में टेस्ट लगाओ ना भाई, जितना हो सके रिवाइज करो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो भी तैयारी करना है। हाँ एक बात और है, हमारे प्लेलिस्ट पर बिल्कुल सभी क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्लास मिल जाएगा आपको। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके जुड़ सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो सब्सक्राइबर का बटन, है ना, सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको जाके क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए बस्तर कंटेंट कार्यक्रम के तहत किस टेलीकॉम कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार को कराया गया था? ये आंसर सी, एक मिनट ना, ये नहीं है, जियो है, एग्जाम में पूछा गया था ये वाला, है ना, इसका आंसर जियो होगा। आंसर ये किसने लिया था? वर्ष 2022 का राज्योत्सव इस आयोजन का संस्करण कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पर कई लोग आंसर 22 बोल रहे हैं तो कई लोग आंसर 20 बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई यहाँ पर? अब 2022 बोल रहा है तो 22 ही आएगा कि 20 आएगा? 22 ही है ना, देखिए 2022 का जो राज्योत्सव होगा तो आपका संस्करण 22 में ही होगा ना, बिल्कुल सही है, इतना सरल है। चलिए इसका बताइए अब क्या आएगा, हाल ही में बस्तर के किस स्थान पर इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? इमली प्रसंस्करण, ये आएगा धूरा गाँव। अब कैसे याद रखोगे इसको, धूरा गाँव को, तो याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, हाल ही में जो बस्तर के धुर्रा गांव में, यानी कि धुरा धुरा गांव है, तो आप याद कैसे करोगे? धुर्रा, धुर्रा में क्या गिरता है? इमली गिरता है, याद रखना। जैसे हम इमली गिराते हैं ना, मान लीजिए पेड़ है आपका, है ना, ये मान लीजिए है इस प्रकार का पेड़ है ना, तो ये आपका ट्री वगैरह हो गया, तो यहाँ पर इमली वगैरह फल लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिएगा ये इमली फल लगा हुआ है, तो हम इसको तोड़ते हैं तो कहाँ, ज़मीन पर गिरता है, धुर्रा में गिरता है, है ना, उसी को उसी तरह याद होगा धुर्रा गांव। कैसा लगा ट्रिक? मज़ा नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं।
हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नंदनवन जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया गया है, याद रखना, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नंदनवन जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया गया है। कौन कौन सा है? अरपा, पैरी, सबरी या मनियारी? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो नंदनवन जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया गया है, कौन है, कितने लोग शामिल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनियारी। इसका आप लोग बताएं, सतनाम पंथ संबंधित गुरु दर्शन मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? भंडारपुरी, नानपुरी, डिपडी या मल्हार? कहेगा आंसर, इसका आंसर होगा आपका ये भंडारपुरी, ठीक है। चलिए इसका बताइए कि 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित पुरुष और महिला सॉफ्ट टीम के क्रमशः कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण या रजत, रजत या कांस्य, कांस्य रजत, रजत या स्वर्ण? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। और साथ ही आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में है नहीं, वर्तमान में भी राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल कौन है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। इसका आंसर बिल्कुल भी होगा रजत और कांस्य, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजत चौहान के नाम पर किस स्टेडियम में एरिया का नाम रखा गया है? ग्रीन पार्क, होलकर स्टेडियम, बाराबारी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम? बिल्कुल आंसर सही आगे फटाक से दे दिया, किसने, होलकर है ना। चलिए इसका बताइए कि ये तो हो गया ना, क्या बताया था इसका आंसर, चलिए इसका आंसर कितने लोगों का आया था, 90 लोगों का आया था। फिर से वह क्वेश्चन आ गया है तो आपका मनियारी आएगा। देखिए, मतलब हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नंदनवन यानी कि जंगल सफारी की 3 शावकों का नामकरण किया गया था, इनमें से क्या शामिल नहीं है पूछा गया है, तो मनियारी शामिल नहीं है ना भाई, क्योंकि उसका नाम क्या क्या रखा था, अरपा, पैरी और सबरी। अरपा पैरी के धार नहीं है, अरपा पैरी और सबरी है, ठीक है। इसका भी भंडारपुरी आएगा, ये भी क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, ये भी दोबारा पूछ लिया गया है, ये भी आया है दोबारा। ये बताएं कि निम्न में से देश का कौन सा जिला बनेगा? गरियाबंद, सरगुजा, दंतेवाड़ा, महासमुंद? बिल्कुल सही है दंतेवाड़ा आंसर, ऐसा आना चाहिए फटाफट भाई। इसका क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई यानी एग्री कार्निवाल 2022 की शुरुआत किस तिथि से की गई है? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 या 15? तो इसका आंसर होगा सी, 14 अक्टूबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसे का कुनबा बढ़ाने वन विभाग ने किस राज्य में आर्टिफिशियल रिस्टेंट छूट मशीन मंगाई है? तेलंगाना, केरल, हैदराबाद या तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा सी, हैदराबाद। हाल ही में दिवंगत विधानसभा क्षेत्र के हुए मनोज मंडावी किसके विधायक हैं? जो मनोज मंडावी है ना आपका, भानु प्रताप से संबंधित है, भानु प्रतापपुर के विधायक हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अरहर व उड़हर के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रति कुंटल कितना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 6,250, 6,380, 6,510 या 6,600 रुपये? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अरहर व उड़द के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, है ना। और मैं आप लोग पूछा गया था कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही देखिए एक और बात है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में अभी है ना जो धान का है उसको MSP बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था, 2,040 रुपये, एक मिनट ना, धान का जो MSP था आपका, धान का 2,040 के आसपास है, चलिए 2,040-60 जो भी है आप लोग है ना। तो अभी कितना है बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लाएंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कल का जो करंट अफेयर रहेगा आपका, बिल्कुल रहेगा टॉप का करंट अफेयर, टॉप 20 करंट अफेयर कल देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो के लिए थैंक्स, डेली करते रहिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा।